स्नातक विधान परिषद चुनाव को लेकर बेनीगंज स्थित भारतीय जनता पार्टी महानगर का पार्टी कार्यालय पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसके संबंध में डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि हर चुनाव से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से स्नातक चुनाव जीतेंगे। यह चुनाव भी हर चुनाव लोकसभा चुनाव व विधानसभा चुनाव की भांति गोरखपुर क्षेत्र स्नातक निर्वाचन भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा के आधार पर काम करती है, देश के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर स्नातक चुनाव की पूरी तैयारी योजना बन गई है, यह चुनाव भी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता माइक्रो लेवल पर काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता हर 20 मतदाता पर एक प्रमुख बनाकर माइक्रो लेवल पर काम करेंगे एवं घर घर संपर्क कर एक एक मतदाता से संपर्क कर स्नातक चुनाव भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पधन जैन, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विश्वजीतांशु सिंह आशु, शहर विधानसभा के संयोजक डॉक्टर गिरिजेश दत्त पांडे, ग्रामीण विधानसभा संयोजक रणविजय सिंह मुन्ना, शहर विधानसभा सह संयोजक प्रेमनाथ शुक्ला, महामंत्री अच्युतानंद शाही, ओम प्रकाश शर्मा, इंद्रमणि उपाध्याय, देवेश श्रीवास्तव, महानगर उपाध्यक्ष शशिकांत सिंह, जितेंद्र चौधरी जीतू, रणविजय शाही, पद्मा गुप्ता, रंजुला रावत, अनुपमा पांडे, महानगर मंत्री अवधेश अग्रहरी, मनोज अग्रहरी, प्रेमनाथ शुक्ला, रितेश सिंह बब्बू, शिवम पांडे, डॉक्टर गिरिजेश दत्त पांडे सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, अध्यक्ष रहे राहुल श्रीवास्तव जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे ओम प्रकाश जी, आशु जी, अच्युतानंद शाही जी, महानगर के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, आप सबका मैं हृदय से आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, चूंकि आज 9 वर्ष का सबसे पहले मैं आप सब लोग को 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। महाराज जी का मैं एक दो दिन पहले न्यूज में सुन रही थी कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी यूं तो अनेकों काम कर रहे हैं, बहुत सारे अपने उत्तर प्रदेश में विकास के कार्य कर रहे हैं और इतना अच्छा परचम लहरा रहे हैं कि सभी प्रदेशों में विश्व में भी उनकी मांग होती है। चाहे गुजरात में चुनाव हो, जिन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल की, हर जगह उनका रहता है। लेकिन उन्होंने 2 दिन पहले जो बहुत अच्छा काम किया, जो मेरे हृदय को छुआ, उन्होंने जाके महाराष्ट्र में गए, महाराष्ट्र में जाकर के सारे उद्योगपतियों को बुला करके, फिल्म जगत के लोगों को बुला करके अपने वहां प्रदेश में आने का न्योता सबको दिया और नई नई योजनाओं के बारे में बात किया और कहा कि आइए हमारे उत्तर प्रदेश में अपना आकर के अपना उद्योग लगाएं और ताकि हमारा प्रदेश बढ़ सके। सोचा था करने के लिए, तब मैं सुनती थी कि वो ऐसे ऐसी योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन हम लोगों का परम सौभाग्य है, क्या विकास हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, तो जो हमारे गोरखपुर का हो रहा है, हमारे प्रदेश का हो रहा है, मैं निश्चित कह सकती हूँ कि आने वाले दिन में हम लोगों का चारों तरफ नहीं है, एक विश्वास हो गया है। आज भले ही हम लोगों के पास में स्नातक का चुनाव आया है, जिस तरह हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव घोषित है, उसके दृष्टि से आज गोरखपुर महानगर की बैठक थी। गोरखपुर क्षेत्र के सभी जनपदों में आज और कल में जिलों की बैठकें संपन्न हो रही हैं। 9 और 10 तारीख को सभी मतदान केंद्रों की बैठकें होंगी। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में गोरखपुर महानगर में 12 मतदान केंद्र हैं और 12 मतदान केंद्रों पर लगभग 15,500-16,000 के आसपास मतदाता हैं। उनकी दृष्टि से ये बैठक हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव की दृष्टि से हर मतदान केंद्र प्रमुख, मतदान केंद्र के सह प्रमुख, बूथ प्रमुख तक संरचना खड़ी की है। आगे हम सब हर 20 मतदाता पर एक प्रमुख मतदाता बना करके पूरे माइक्रो लेवल तक इस चुनाव को की तैयारी हम सब कर रहे हैं। घर घर संपर्क की योजना, एक एक मतदाताओं से संपर्क करके सबका वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रतिकूल हो। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को भी प्रचंड बहुमत के साथ जीते, इसकी योजना रचना प्लानिंग की दृष्टि से आज ये बैठक संपन्न हुई है।
और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी चुनाव महत्वपूर्ण होता है। स्नातक निर्वाचन चुनाव भी हम सब हर चुनाव की भांति, लोकसभा चुनाव की भांति, विधानसभा चुनाव की भांति, गोरखपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी, ऐसी योजना रचने का आयोग बनाई गई। क्या निर्देश दिया गया सभी कार्यकर्ताओं को? आज निर्देश दिया गया कि अपने अपने मतदान केंद्रों पर बैठक करके हर बूथों की प्लानिंग करके योजना रचना बनाएंगे और प्रत्येक 20 मतदाता में एक प्रमुख बना करके उन 20 से संपर्क करने की योजना, उनको वोट डलाने तक 30 तारीख तक वोट पोल जब तक न हो जाए तब तक उनके संपर्क में रहने की ये पूरी योजना रचना बनाई गई है।